ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु देव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, मैं तारना तांत्रिक स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल तंत्र मंत्र की दुनिया में। मित्रों, आज मैं आप लोगों को तांत्रिक किलक के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश करूंगा। मित्रों, आप लोग तांत्रिक जो किलक, इसके बारे में तो आपने नाम बहुत बार सुना है, बहुत बार देखा है, बहुत बार जाना है, लेकिन आपने कभी नहीं जाना कि इस किलक का प्रयोग कैसे करते हैं। क्योंकि ये जो किलक का प्रयोग, ये बहुत गुप्त तरीके से किया जाता है और सबकी नज़र से बाहर जाके किया जा सकता है। तो मित्रों, ये तांत्रिक किलक एक ऐसा पद्धति है कि ऐसा कोई कुछ कुछ सामान होता है जिसका किलक बना के अगर किसी के घर में गाड़ दिया जाए, किसी की दुकान के सामने रख दिया जाए, किसी की ज़मीन पे गाड़ दिया जाए या किसी के तबेले में गाड़ दिया जाए, तो उसके जो पूरे जो मुनाफा है वो नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, किलक कभी भी कोई अच्छे कार्य के लिए यूज नहीं किया जाता। ये एक तंत्रिक का नेगेटिव प्रयोग है, क्योंकि किलक से हमेशा लोगों की बुरा ही होते हैं, अच्छे किलक से कोई भी कुछ नहीं होते। तो मैं आप लोगों को कुछ कुछ समझा देता हूँ कि किलक की कौन सी किलक का कैसे कैसे इस्तेमाल होता है। कुछ देखिए, किलक की बहुत सारे स्टेज है, बहुत सारी चीज़ों की किलक बनते हैं। जैसे कोई लोहे का बनता है, तांबे का बनता है, इंसानों की अस्थियों की बांधते बनते हैं, जानवर की अस्थियों से बनते हैं, कुछ कुछ पेड़ की लकड़ियों की किलक बनते हैं, कभी कभी पेड़ के जड़ की लकड़ियों से किलक बनते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ किलक के बारे में इस वीडियो में क्लियर करता हूँ। सबसे पहले बात आपको कहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये देखिए, सब्सक्राइब के इस जगह पे एक रेड बटन दिख रहा है जिसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वो आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये सब्सक्राइब पूरा फ्री है और मेरे हर वीडियो एकदम फ्री में मिलता है, आप लोगों तक पहुंचती है। सिर्फ मेरे वीडियो नहीं, मेरे दिए गए जो टोने टोटके वो भी संपूर्ण फ्री में होते हैं, और मैं लोगों के लिए जो जो मेरे पास आते हैं काम करवाने के लिए, मैं उनके कार्य भी निःशुल्क में मैं करता हूँ। हाँ, कुछ जो आपके मन में दक्षिणा है वो दक्षिणा देकर आप अपना काम करवा सकते हैं, मेरे पास कोई किसी से कोई डिमांड नहीं है। और ऐसे मैं फोन कॉल्स में काम बहुत कम ही करता हूँ, मैं ये काम वही लोगों के लिए करता हूँ जो लोग मेरे पास पहुंचते हैं। तो किलक के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। सबसे आपको सबसे पहले जो मैं है आपको इंसान की अस्थियों की किलक के बारे में बता देता हूँ। मित्र, आप लोग देखिएगा, ऐसे ऐसे कभी कोई घर आता है जिस घर में हर 6 महीने 1 साल के बाद किसी ना किसी की मौत हो जाती है। तो इस तरह ना देखा जाता है कि अगर मैंने बहुत सारे घर की वास्तु को जब मैं रिसर्च किया, वास्तु में गया, वास्तु में विजिट किया, उसके मैं वास्तु चेकिंग, वास्तु को परीक्षण करने के लिए कुछ हमारे तांत्रिक प्रयोग होते हैं जिसको मैंने परीक्षण करके देखा कि उस घर में एक इंसानों की किलक लगा दिए गए हैं। लेकिन मित्रों, एक बात तो सही है कि इसमें बहुत बड़े बड़े साधक बड़ी बड़ी तरीके से इसका निकालने के प्रयास करते हैं, लेकिन मैं जो प्रयास जानता हूँ उसमें थोड़ा समय लगता है, 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते के अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपके घर में किलक कहाँ पे है। उसी दौरान उसको निकालने के बाद ही आपके घर से जो जो ये जो मौत का जो सिलसिला शुरू हो चुका था वो पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। मित्रों, इस इंसानों की अस्थियों की किलक से कुछ तांत्रिक लोग, या कुछ लोग तांत्रिक भी करते हैं, कुछ लोग भी करते हैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, कि किसी को मारना है, मारण क्रिया के लिए ये प्रयोग किया जाता है। शमशान से किसी भी शनिवार के दिन सबसे बढ़िया होता है। शनिवार के दिन अगर कोई अमावस होती है, उस दिन अगर कोई शमशान से कोई जहाँ पे मुर्दे को जलाया जाता है वहाँ पे इंसानों के कुछ टूटे फूटे हड्डी बच जाते हैं। वैसे एक अस्थि के टुकड़े इतने इतनी सी या 4 इंच 4 उंगली जैसा बड़ा है, इतना हुआ तो काफी है। उसको लाके घर में जाके घिस घिस के उसको किलक बनाया जाता है और उसी दिन रात में 12 बजे से पहले उसके घर में गाड़ दिया जाता है। मित्रों, ये प्रयोग करते ही 3 दिन के अंदर से आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियों की बास होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके घर एक तरह के शमशान बनना शुरू हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके घर में जो सदस्य है उनको एक के बाद एक मौत होना शुरू हो जाते हैं, एकदम मौत की होली खेला जाता है। तो ये प्रयोग बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि जिंदगी अगर किसी को कोई बचा नहीं सकता तो उसके मारने का अधिकार भी किसी को नहीं। तो ये प्रयोग कभी भी नहीं लाए, और अगर बहुत आपदा चुका है तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसकी इरादा हमेशा सच्चा होना चाहिए, तो ही आपको इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं भुगतना पड़ेगा। अगर आपने किसी गलत इरादे से किसी के ऊपर ये प्रयोग कर दिया तो आपके इसका बहुत साइड इफेक्ट दिखेगा, जिसके लिए आपको लेने का देना पड़ सकता है। तो
तो ये तो गया इंसानों की अस्थियों के बारे में। अब आते हैं बहुत सारे किलक में से एक होता है कि जो हमारे उल्लू का होता है ना, उल्लू होता है, जैसे इसको तो मारना तो कानूनी तौर से गुनाह है और इसको पकड़ना भी गुनाह है, लेकिन अगर आप कोई मरे हुए कोई उल्लू अगर आपको मिल जाता है तो आप उनको लाइए, उनको अच्छे से साफ साफ करिए और उसके हड्डियों को निकाल लीजिए। मित्रों ये प्रयोग आता है उच्चाटन की क्रिया के लिए। अगर किसी को सोचिए, कोई अगर आपके जमीन किसी ने कब्जा करके रखा है या किसी ने आपके घर किराए पे लिया है, किराए भी नहीं दे रहा है, घर भी छोड़ नहीं रहा है, या आपके घर में कोई अनोखा कोई आके बैठ गया, आपके घर के अंदर कोई कब्जा कर लिया है, तो सबसे बड़ी बात है कि मुद्दे की बात यही आता है कि अगर आपको किसी को भगाना है या किसी को उठाना है, किसी से उच्छेद करना है, तो आप इस प्रयोग को ला सकते हैं। उस उल्लू की हड्डियों को शनिवार के दिन सुबह की 7 बजने से पहले, यानी एकदम सूरज जब जब उठे तभी उसी समय में उसके घर के सामने उसको गाड़ देना है। उसको दफना देने के बाद से 21 दिन के अंदर वो लोग घर में एक दूसरे से कलह शुरू हो जाएगा, या उसके अगर कोई जॉब करता है तो उसको ट्रांसफर हो जाएगा, किसी ना किसी भी तरह से वो आपके घर को छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो मिश्र तीसरी बार आता है कि जो पीपल के पेड़ की किलक से, यानी पीपल के किलक से बहुत सारे शुभ कार्य भी होता है अशुभ कार्य भी होता है। शुभ कार्य मतलब कि अगर आपकी किसी के घर में शादी नहीं हो रहा है तो उस लड़की को बोलिएगा एक छोटी सी 2 उंगली वाली एक पीपल का कील बनाएगा, वो सबसे बढ़िया होगा। कि बृहस्पतिवार के दिन अगर कोई अमावस पड़े तो सबसे बढ़िया होता है, उस दिन आप उस पीपल की छोटी सी किलक को येलो धागे से बांध के आप अपने बाजू डाय बाजू में बांध के रखिएगा कोई भी लड़की, तो गारंटी के साथ उसको 3 महीने के अंदर शादी हो जाएगा। कि जैसे भी घर होना, कि वो अमीर होगा गरीब होगा ये तो नहीं जानता, शादी का प्रॉब्लम जो हो वो सुलझा जाएगा। ये एक अच्छी प्रयोग है। और दूसरी बात है कि यही किलक अगर मर्द लोग बांध लेते हैं तो उसका बीबी उसको छोड़ के भाग जाएगी। तो ये इसका जो सही उपयोग भी है गलत भी हो सकता है। कि मित्रों बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं कि पत्नी अपने पति के ऊपर इतना टॉर्चर करते हैं कि पूछो मत। ऐसे भी देखा जाता है कि बहुत सारे जगह पे देखा जाता है कि पति पत्नी के ऊपर टॉर्चर करते हैं, ये बहुत केसेस हमारे सामने आते हैं। तो मैंने मेरे शास्त्र से अध्ययन करके करते हुए और मेरे गुरु से मुंह से सुनते हुए ये प्रयोग मेरे गुरु ने मेरे को सिखाए थे और जिसको मैंने बहुत सारे लोगों के ऊपर मैंने अप्लाई किया और जिसका रिजल्ट 80% तक हाँ आता है। तो मैंने तो इसको बहुत अच्छा प्रयोग मानता हूँ और ये बिना पैसों में बिना खर्चे किए हुए एक बिना खर्चे दे बहुत बढ़िया तरह से हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी आपके ये शादी का मैटर जब कोई लड़की के लिए हो, जब ये शादी हो जाता है तो शादी हो जाने के बाद 1 साल के अंदर उस पीपल के पेड़ के नीचे कुछ भोग लगा के लोगों को वितरित करें। तो मित्रों ऐसे ही बहुत सारे किलक का प्रयोग आते जाते रहेंगे, मैं बताते रहूंगा। तो अगर आपको कोई कुछ जानना है इस किलक के बारे में और भी, तो मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर जो है नीचे में आपको जो टाइटल में जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, जो नंबर है उसमें मेरा व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप में आपका जो समस्या है वो मुझे फौरन लिख के भेज सकते हो, या तो आप मुझे डायरेक्टली वीडियो रिकॉर्डिंग करके मुझे भेज सकते हो, मैं उनका जवाब दे दूंगा। आज के लिए विदा लीजिए। जय माता दी, जय मा कामाख्या।